ग्रेटर नोएडा में अननेसेसरी के तेज़ रेट चलते हुए मैं आपके लिए ऐसी प्रॉपर्टी निकाल के लाता हूँ जिसमें आपको सही बजट में आपके मनपसंद की चीज़ मिल जाए और साथ ही वह ऑथराइज्ड भी हो। तो जानते हैं इस वीडियो में कहाँ है यह प्रॉपर्टी और क्या है इसमें खास। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे। माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे सेक्टर की जिसमें ना के बराबर लोगों को जिसके बारे में पता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम ग्रेटर नोएडा का सेक्टर P4 जिसका एक पार्ट है प्लॉट नंबर 10 केंद्रीय लोक निर्माण सहकारी आवास समिति। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा का यह एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता तो है, परंतु इसके अलग अलग पार्ट होने की वजह से इनके सभी पार्टों के बारे में लोगों को बहुत ही कम ज्ञान है। उनमें से ही एक पार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और क्या रेट चल रहे हैं आज उस पार्ट में और किस साइज़ के आपको प्लॉट मिलते हैं इसके बारे में बताऊँगा। P4 प्लॉट नंबर 10 केंद्रीय लोक निर्माण सहकारी आवास समिति लिमिटेड, जिसका नाम निर्माण कुंज भी है। परिचौक से कुछ ही मिनट की दूरी पर परिचौक का एक शुरुआती सेक्टर P4 हिमसागर अपार्टमेंट के जस्ट बराबर में यह P4 निर्माण कुंज है। इस सेक्टर की आपको सबसे खास बात बताता हूं कि इस सेक्टर में 10% ऑक्यूपेंसी भी नहीं है, उसके बाद भी यहां आपको फुल्ली मेंटेन ग्रीन बेल्ट, परफेक्ट रोड और सबसे अच्छी बात आपको गेटेड बंद सोसाइटी विद सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिलता है। सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको सारे बड़े स्कूल यहाँ पे मिल जाते हैं। ओमेगा सेक्टर के गोल चक्कर से राइट टर्न लेने पर यह सेक्टर स्टार्ट हो जाता है। इसके नियर बाय P3, Chai 3 सारे बड़े सेक्टर आपको आसपास मिल जाते हैं। हम जब भी कहीं पर अपना घर लेते हैं तो हम हमेशा अपना आस पड़ोस देखते हैं। इस मामले में यह सेक्टर एकदम परफेक्ट है। पर्सनली जब मैंने इस सेक्टर में विजिट किया तो मैंने सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यही देखी कि यहाँ ऑक्यूपेंसी 10% भी नहीं है, उसके बाद भी अथॉरिटी ने इसका रख रखाव बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है। सेक्टर की पूरी बाउंड्री हो रखी है, बाउंड्री के ऊपर आपको ताराकसी मिल जाएगी। इसके बावजूद आप देखेंगे कि गेट पर सिक्योरिटी गार्ड भी हमेशा तैनात है, कैमरा बंद गेटेड सोसाइटी है, तो एक तरीके से सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट सेक्टर है। सेक्टर के अंदर आपको 4-5 घर के अलावा बाकी सभी प्लॉट्स पर कंप्लीशन मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट सेक्टर के अंदर 83 हैं। प्लॉट साइजेस जो रहेंगे वो रहेंगे 300 मीटर, 250 मीटर, 200 मीटर और 160 मीटर। सेक्टर के अंदर घुसते ही फर्स्ट रो में 300 मीटर की लेन है, सेकंड रो में 250 मीटर की है, थर्ड रो में भी 250 मीटर की लेन है, फोर्थ एंड फिफ्थ रो में आपको 200 मीटर की लेन मिलेगी और सिक्स्थ रो में 160 मीटर की लेन है। इस सेक्टर का जब निर्माण किया गया था तो यह सेक्टर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए बनाया गया था, पर कुछ साल पहले वह नियम यहाँ से हटा दिया गया और इस सेक्टर में कोई भी प्लॉट ले सकता है। अब सबसे मेन चीज़ पर आते हैं कि यहाँ पे रेट्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे। 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट यहाँ पर अभी आज की डेट में 1 करोड़ 10 लाख से स्टार्ट है। 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का इसका रेट है। अगर आप 1 करोड़ 20 लाख में अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा इसमें कुछ प्लॉट खरीदने जाते हैं तो आपको आज की डेट में 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट भी इस रेट में नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि 120 स्क्वायर मीटर का भी प्लॉट आपको मुश्किल ही इन सेक्टर्स में मिलता है, जिस रेट में आपको यहाँ 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिल रहा है। अगर हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की बात करते हैं तो 300 स्क्वायर मीटर के लिए हमें
से नंबर लीजिए, जिसको अपना प्लॉट बेचना होगा गार्ड आपको उसका नंबर देगा। उसके बाद आप जो यहाँ पे 1, 2, 3 फैमिली रह रही हैं उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनके आस पड़ोस वालों के नंबर लीजिए। इससे क्या होगा, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। इससे पहले कि फाइनेंसर या ब्रोकर इस सेक्टर में घुसे, आप उससे पहले विजिट करके अपने मनपसंद का प्लॉट पसंद करके कॉन्टैक्ट करिए। आप मेरे थ्रू मत लीजिए, किसी के थ्रू मत लीजिए, आप स्वयं यहाँ विजिट करिए, समझिए, देखिए और अपने मनपसंद की चीज़ को परचेस करिए। यहाँ मेरा मकसद आपको प्रॉपर्टी बेचना नहीं है, यहाँ मुझे आपको सही रास्ता दिखाना है। चूँकि परीक्षम सफलता की कुंजी है, तो आपको अपने पसंद की सही बजट में प्रॉपर्टी लेने के लिए परीक्षम तो करना पड़ेगा। आपको यह वीडियो अगर अपने मतलब की यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।